So today we will discuss binomial distribution. ये probability का एक आसान पार्ट होता है, बस इसमें 90% या 99% काम ये है कि हम पहचान लें कि ये क्वेश्चन binomial distribution का है, ठीक है। तो मेन चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि binomial distribution लगेगा, उसके बाद तो सिंपली एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा binomial distribution, ठीक है। तो देखते हैं क्या पहचान है इसकी, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ट्रायल मतलब होता है एक्सपेरिमेंट कई बार होता है, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक बार नहीं, 3, 4, 5, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, कई बार वो कॉइन टॉस करा जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ एक्सपेरिमेंट कई बार होगा, एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म सेवरल टाइम्स, लेट से एन टाइम्स, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, जैसे कॉइन टॉस करना, डाय रोल करना, इस पर कंडीशंस नहीं चेंज होती हैं, जितने बार भी कॉइन टॉस करें, जितने बार भी डाय रोल करें, आइडर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो एक्सपेरिमेंट कई बार होगा, 3 बार, 2 बार, 4 बार, 100 टाइम्स, और बहुत ज़्यादा हायर नंबर होता है 300, 400, 500, तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जिसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्सपेरिमेंट कई बार होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉल, एक बैग में बॉल्स हैं, 7 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, इससे हम बॉल्स निकाल रहे हैं, एक बॉल निकाली और फिर से वापस रख दी, विद रिप्लेसमेंट अगर हम बॉल्स निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन होगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल्स निकालेंगे तो फिर ऑब्वियसली सबकी प्रॉबिलिटी वाइट आने की और ब्लैक आने की चेंज होती जाएगी, तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन नहीं हुआ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, वो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा या ट्रायल होगा उसमें इनिशियली हम मान के चल रहे हैं 2 इवेंट्स आएंगी, सक्सेस या फेलियर, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। अच्छा, जीतना और हारना ये कोई डिफाइन नहीं है, जीतना मतलब ये समझ सकते हो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है दैट इज़ विनिंग, एंड जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा दैट इज़ लूजिंग। लेट से जीतने की प्रोबेबिलिटी पी है एंड हारने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, ठीक है। तो पी एंड क्यू, जीतना और हारना, पी एंड क्यू, विनिंग एंड लूजिंग, दीस मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए इवेंट्स, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो एग्जॉस्टिव। जैसे हेड आया, कॉइन टॉस करा, हेड आ गया और टेल आ गया, तो हेड टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो इस वजह से इनकी प्रॉबिलिटी का सम 1 होगा, ठीक है। तो जो 2 आउटकम्स आएंगे, सक्सेस एंड फेलियर, उनकी प्रॉबिलिटीज या वो जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, दूसरी चीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सपेरिमेंट कितने बार भी हो, पी एन क्यू मस्ट बी अनचेंज्ड। P और Q कांस्टेंट रहने चाहिए, P और Q चेंज नहीं होने चाहिए, ये तीसरी पहचान है, सॉरी कांस्टेंट, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो डाइस और कॉइन में तो जो भी इवेंट पूछी जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड होगी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 केसेस कर रहे हैं, 1/1 हम बॉल निकाल रहे हैं या 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, 1/1 निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट
और विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अगर हम विद रिप्लेसमेंट बॉल्स निकाल रहे हैं तो देखो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, आई थिंक इतना पढ़ा है तुम लोगों ने, व्हाइट आना और ब्लैक आना 5/10, 5/10 विद रिप्लेसमेंट। कितनी बार भी करें हम, क्योंकि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो वापस रख दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे 10 की 10 है। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पहली बॉल मान लो व्हाइट आई तो दैट इज 5/10, दूसरी ब्लैक आई तो दैट विल बी 5/9, अब तीसरी मान लो फिर वाइट आई तो दैट विल बी 4/8, चौथी ब्लैक आई दैट विल बी 4/7। तो ये प्रॉबिलिटीज चेंज होती जा रही हैं। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BD बोल देंगे हम, अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे अलाउ हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट। पैक ऑफ कार्ड से तुम कार्ड निकाल रहे हो, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो तो अलाउ होगा। ठीक है, तो प्रॉबिलिटीज क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रॉबिलिटीज कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो ये मेनली तीन पहचान है। पहला, एक्सपेरिमेंट कई बार होगा, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। दूसरा, उस एक्सपेरिमेंट से तीन भी वैसे इवेंट्स आती है, टाई का भी आता है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दो ही इवेंट्स होंगी, सक्सेस या फेलियर। ठीक है, और जो भी दो इवेंट्स हैं दीज मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होंगी तो उनकी प्रॉबिलिटीज का सम 1 आएगा उस केस में। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PMQ जो सक्सेस एंड फेलियर की प्रॉबिलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रॉबिलिटीज चेंज होती जाएंगी तो यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। विद रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, बिकॉज वाइट आना ब्लैक आने की प्रॉबिलिटी 1/2 ही रहेगी, चाहे तुम ये प्रोसेस 1000 बार करो या 10000 बार करो, लेकिन होना क्या चाहिए, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये तीन आइडेंटिफिकेशन है जिससे हम पहचान सकते हैं ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एन टाइम्स, कोई एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स हो रहा है, देन प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट आर टाइम्स सक्सेस, आर टाइम्स सक्सेस। ठीक है, मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है तुम्हें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q एंड P+Q 1 है। ठीक है, और अभी ये मान के चल रहे हैं PNQ, क्योंकि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखा है तो ये बताया गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। तो R टाइम्स सक्सेस चाहिए, इसका मतलब रेस्ट N-R टाइम्स फेलियर। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सक्सेस एक तरीके की चीज होती है, सक्सेस आइडेंटिकल है, मतलब सक्सेस जितनी भी सक्सेस है वो आइडेंटिकल है, जितने भी फेलियर है वो आइडेंटिकल है। एक नंबर से किसी एग्जाम में रुक जाओ या 100 नंबर से रुक जाओ, फेल फेल है, सक्सेस भी उसी तरह से आइडेंटिकल है। तुम्हें सेलेक्ट होना है, ठीक है, जैसे भी तुम सेलेक्ट हो दैट इज आइडेंटिकल। तो यहाँ पे पहले हम क्या करें, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले रहे हैं कि फर्स्ट R टाइम्स हमें सक्सेस मिल रही है, ये R टाइम्स सक्सेस है, एंड रेस्ट N-R टाइम्स फेलियर है। अच्छा, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिया है, बीच बीच में भी हो सकता है, अल्टरनेट सक्सेस हो सकती है, फेलियर हो सकता है, वो बाद में अरेंजमेंट बाद में देख लेंगे। अच्छा, पहली बार सक्सेस मिलना, दूसरी बार फेल होना, सक्सेस मिलना,
ये सब इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी 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 पी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, तो पी टू द पावर आर। ये क्यू या पहली बार सक्सेस मिले, पहला सक्सेस मिलना, फेलियर होना, ये सब इंडिपेंडेंट है। पहली बार मान लो कॉइन टॉस करा, हेड आ गया, दूसरी बार क्या आएगा आई डोंट नो, ठीक है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो पहली बार सक्सेस हो गए, दूसरी बार क्या होंगे, ये सब इंडिपेंडेंट है। और ये सब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये नहीं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो हम सक्सेस ही होंगे, वो चीज़ें नहीं, ये सिर्फ एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे क्यू टू द पावर हो जाएगा एन माइनस आर, ओके, क्यू कितने बार मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस आर बार मल्टीप्लाई होगा। अब हम अरेंजमेंट पे ध्यान देंगे, अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट इज लाइक यहाँ पे देखो टोटल कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे एन चीज़ें हैं जिसमें से आर आर सक्सेस हैं एक जैसी और रेस्ट एन माइनस आर फेलियर हैं एक जैसे, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, एन फैक्टोरियल से सारी चीज़ें अरेंज हो गई, डिवाइड बाई आर सक्सेस आइडेंटिकल है एक जैसी, रेस्ट एन माइनस आर फेलियर है एक जैसे। तो आइडेंटिकल चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं आर सक्सेस के लिए और रेस्ट एन माइनस आर फेलियर के लिए। तो दिस इज फाइनली एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एन बार ट्रायल हो रहा है, कितने बार ट्रायल हो रहा है, एन बार ट्रायल हो रहा है जिसमें से आर टाइम सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की पावर आर जितने बार सक्सेस चाहिए और फेलियर की पावर रेस्ट ऑफ एन माइनस आर। तो अगर हमने पहचान लिया तो सिंपली बस ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी में कुछ बातें और कर लेते हैं, ये बात नाम सारे समझ में आ गए। तो यहाँ पे एक होता है मीन, मीन इज एन पी, याद करते जाओ उसको, मीन इज एन पी, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेरियंस इज एन पी क्यू, सॉरी एन पी क्यू, एन पी क्यू वेरियंस हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी में ही पूछा जाता है, दैट इज रूट एन पी क्यू, दैट इज रूट एन पी क्यू। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी प्लस क्यू क्या आएगा, वन, और हमें पता है वेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन से देखते हैं, और मेन क्वेश्चन में हम ये ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों है। डाइस और कॉइन वाले क्वेश्चन में तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन श्योरली लग जाएगा, उसमें तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। टू डाइस आर थ्रोन टॉस्ड फोर टाइम्स, दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस है, डाइस डिफरेंट होते हैं, डी वन डी टू, जिसको चार बार थ्रो करा गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है दो डाइस को थ्रो करना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ट्रायल कितने बार हो रहा है, चार बार। फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग इक्वल डिजिट, इसका मतलब जो दो डाइस हैं उसमें इक्वल डिजिट आए, उसमें क्या है, इक्वल डिजिट आए, मतलब क्या हुआ, दोनों में वन वन आए, दोनों में टू टू आए, दोनों में थ्री थ्री आए, फोर फोर आए, फाइव फाइव आए, सिक्स सिक्स आए, ठीक है। तो दोनों में इक्वल डिजिट, इक्वल डिजिट आना मान लो सक्सेस है, सक्सेस। इक्वल डिजिट कैसे आ सकता है, काउंट कर लो ये कितने तरीके आ रहा है, सिक्स, दो डाइस थ्रो करते हैं तो एक बार में सिक्स इंटू सिक्स, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू सिक्स, थर्टी सिक्स। तो ये सक्सेस हो गया इक्वल डिजिट आना, और फेलियर हो जाएगा लूज करना, फेलियर इक्वल डिजिट नहीं आना, वन बाई सिक्स है, सॉरी, दिस इज वन बाई सिक्स। फेलियर क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा लूज करना, कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज वन माइनस वन बाई सिक्स,
इक्वल डिजिट नहीं आएगी, दैट इज 5/6, ठीक है। और डाइस, दो डाइस को जितनी बार भी थ्रो करो, इक्वल डिजिट आने के लिए 1/6 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी और इक्वल डिजिट नहीं आने के लिए 5/6 ही रहेगी। ये एक्सपेरिमेंट 4 बार हो रहा है जिसमें से एग्जैक्टली 2 बार हमें इक्वल डिजिट लानी है। तो ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है क्योंकि ये प्रॉबिलिटीज अनचेंज रहेंगी, ये 4 बार हो रहा है। तो 4 बार में से 2 बार इक्वल डिजिट लानी है, तो इक्वल डिजिट मतलब सक्सेस की प्रॉबिलिटी की पावर 2, एंड रेस्ट टाइम कितना बचा, 2 टाइम्स, फेलियर की प्रॉबिलिटी की पावर 2। सिंपल। सेकेंड, इक्वल डिजिट ऑफ एटलीस्ट टू टाइम्स मतलब 4 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। और 4 बार ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो देखते हैं 2 बार मतलब 4C2, 1/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर। तो अगर हमने पहचान लिया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर कुछ भी नहीं है, देख रहा हूँ सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/6 का क्यूब, 5/6, देन 4C4, 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 0। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आई थिंक निकाली लोगे। थर्ड केस इज इक्वल डिजिट एटमोस्ट 2 टाइम्स। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, या तो 0 टाइम्स या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, ठीक है। तो सीधे सीधे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, 0 टाइम्स मतलब 4 बार में 0 बार सक्सेस चाहिए, सक्सेस की पावर 0, और 4 बार हमें चाहिए फेलियर, फिर 4 बार में 1 बार सक्सेस चाहिए और फेलियर की पावर 3, देन 4 बार में 2 बार सक्सेस चाहिए एंड फेलियर का स्क्वायर। सिंपल हो गया, सॉल्व। तो मेन था यहाँ आइडेंटिफाई करना, और क्वाइन और डाइस में तो ऑब्वियसली ये चीज़ लग जाएगी, ठीक है। क्वाइन और डाइस को अगर कई बार मल्टीपल टाइम्स टॉस करा जाता है, थ्रो करा जाता है, क्योंकि उसमें फिर प्रॉबिलिटीज चेंज होती नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 8 फेयर क्वाइंस आर टॉस्ड। अच्छा, 8 क्वाइन को एक साथ टॉस कर दो या 1 क्वाइन को 8 बार टॉस करो, सेम होता है। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेम प्रोसेस में। 1 क्वाइन था, उसको टॉस करा हमने, टॉस 8 टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। हेड और टेल आने की बात करी जा रही, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितने बार भी कॉइन को टॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 ही रहेगी, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटीज अनचेंज होंगी। 8 बार में एग्जैक्टली 3 बार सक्सेस चाहिए, 8 बार में एग्जैक्टली 3 बार सक्सेस चाहिए, 3 बार हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रॉबिलिटी 1/2। तो आउट ऑफ 8 टाइम्स वी वॉन्ट 3 टाइम्स सक्सेस, तो सक्सेस की प्रॉबिलिटी की पावर 3 एंड फेलियर की प्रॉबिलिटी की पावर, रेस्ट कितना बचा, रेस्ट 5। देन सेकेंड, नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 हेड्स से ज़्यादा ना आए, 3 हेड्स से ज़्यादा ना आए मतलब 0 हेड आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए। तो अब मेरे ख्याल से कर सकते हो, 8C0, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, टेल आना इसकी प्रोबेबिलिटी 8, देन 8C1, हेड आना इसकी प्रोबेबिलिटी 1, टेल आना रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट कितना बचा, 7 टाइम्स टेल आ जाएगा, देन 8C2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 6, देन 8C3, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एटलीस्ट 6 हेड, 8 बार में एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड मतलब 6 हेड, 7 हेड या 8 हेड। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, 8C6,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 6, रेस्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 2, 8c7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 7, टेल आना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, देन 8c8 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 8 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इट डाइज थ्रोन 5 टाइम। तो यहीं से क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट कितने बार हो रहा है, 5 बार। ठीक है, हेड टेल आना, सॉरी डाई है तो ऑड नंबर आना इज अ सक्सेस। तो ऑड नंबर कितने तरह से आ सकता है, 1, 3, 5, मतलब तीन तरीके, 3/6। और इवन नंबर रेस्ट ऑफ द टाइम इवन नंबर आएगा, दैट इज ऑल्सो 3/6। तो ऑड नंबर आना इज द सक्सेस विनिंग, इवन नंबर आना इज द फेलियर लूजिंग। ठीक है, फाइन प्रोबेबिलिटी 5 बार है, एटलीस्ट 4 सक्सेस मिले, मतलब 4 बार ऑड नंबर आए, एटलीस्ट 4 बार, तो 4 बार या फिर 5 बार। तो आई थिंक समझ गए होंगे, 4 बार, 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, 4 टाइम्स सक्सेस मिले, तो 5c4, 1/2 की पावर 4, सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर रेस्ट मतलब 1, देन 5c5, सक्सेस की पावर 5, रेस्ट, फेलियर की पावर 0। सिंपल। तो क्वाइन में और डाइस में तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग ही जाएगा। अब आगे देखते हैं, आई थिंक अब ये कर सकते हो, 4 in a throw विथ पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस हैं जिनको 4 बार थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, एटलीस्ट ट्वाइस, कर लो, ये अभी निकाला था। डबलेट आना मतलब जीतना, 2 डाइस में डबलेट कैसे आया था, 6/36, दैट इज 1/6, सेम क्वेश्चन करा था अभी हम लोगों ने। डबलेट आना मतलब फेस रिपीट करना, 1, 1, 2, 2, 3, 3, और डबलेट नहीं आना दैट विल बी 5/6। 4 बार में एटलीस्ट 2 बार, मतलब 2 बार, 3 बार या 4 बार सक्सेस, 4 में से 2 टाइम सक्सेस मतलब 1/6 का स्क्वायर, रेस्ट 2 टाइम्स फेलियर, आउट ऑफ 4 3 टाइम सक्सेस, रेस्ट टाइम्स फेलियर, आउट ऑफ 4 4 टाइम सक्सेस, रेस्ट ऑफ द टाइम फेलियर की पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री हो या मिल हो, एक बात इसमें ध्यान रखना, याद कर लो, इसमें जो प्रोडक्शन है वो होता ही रहता है। तो अगर तुमने निकाल के विद रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना भी तुम चीजें कंज्यूम करते हो लगातार वहां पे प्रोड्यूस होती जाती हैं। तो फैक्ट्री या मिल में, गोडाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसको रिप्लेस करा है कि नहीं करा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है फैक्ट्री में। यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। तो बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री सपोज टू कंटेन 5% डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 5%, मीन्स 5/100, मीन्स 1/20। तो इसका मतलब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना तो 19/20 आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 बल्ब्स, मतलब 1/1 करके हमने 10 बल्ब्स निकाले, मतलब ये एक्सपेरिमेंट 10 बार करा हमने, तो उसमें डिफेक्टिव आना या नॉन डिफेक्टिव आना, दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, या तो बल्ब डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, और जो गिवन डेटा होता है, ये बात भी अच्छे समझ लो, ये 5% इसने दे रखा है, तुमने नहीं निकाला है, जो गिवन डेटा होता है वो कॉन्स्टेंट ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी प्रॉबिलिटीज चेंज नहीं होंगी। तो 2-3 बातें यहाँ सीख गए हम,
कि फैक्ट्री में चीज़ें अगर रिप्लेस नहीं भी करी जाती हैं तो टोटल स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चीज़ें लगातार वहाँ पे प्रोड्यूस होती ही जा रही हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट वाली चीज़ यहाँ बोली नहीं जाएगी। तो 10 बल्ब्स में से विल नॉट कंटेन मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब हो, मीन्स या तो 0 डिफेक्टिव हो या 1 डिफेक्टिव हो या 2 डिफेक्टिव। तो आई थिंक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 10 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें से 0 डिफेक्टिव हो, मतलब डिफेक्टिव की पावर, प्रोबेबिलिटी की पावर 0, एंड नॉन डिफेक्टिव, सारे नॉन डिफेक्टिव हो, नॉन डिफेक्टिव की पावर 10, प्लस 1 डिफेक्टिव हो, 10C1, डिफेक्टिव की पावर 1, नॉन डिफेक्टिव की पावर रेस्ट क्या बचा, 9, 2 डिफेक्टिव, तो 10C2, डिफेक्टिव की पावर का स्क्वायर और नॉन डिफेक्टिव रेस्ट कितना बचा, 10 में से 2 गया, 8, 8 नॉन डिफेक्टिव है। सिंपल। तो इस क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें सीख गए, जो गिवन डेटा है, गिवन प्रोबेबिलिटी है, वो चेंज नहीं होती, वो एक ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता है, कई सारा डेटा लेकर के ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, तो वो वही रहती है। और फैक्ट्री और मिल से अगर कोई भी चीज़ तुम ले रहे हो तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इनफाइनाइट स्टॉक होता है, मान लो, या चीज़ें प्रोड्यूस ही होती रहती हैं। ओके, हाँ, अगर किसी रेगुलर शॉप से लेते हो तो वहाँ पे स्टॉक पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एन एवरेज आउट ऑफ टेन शिप्स 1 इज ड्राउंड, एक डूब जाता है, 1 इज ड्राउंड, मतलब ड्राउंड डूबने की प्रॉबिलिटी 1/10, एक डूब जाता है 10 में से, 1/10, तो नहीं डूबने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 9/10। दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस, और शिप 10 भेजे जा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट 10 हो रहे हैं, एक एक करके शिप भेजा जाता है और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि 10 में से एक डूब जाता है, 1 इज ड्राउंड, और 9 सेफली पहुंच जाते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स 4 रीचेस सेफली। तो देखो, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया, नाउ एन इज 5, 5 शिप्स भेजे जा रहे हैं, यहाँ से 10 में से तो हमने प्रॉबिलिटी निकाल ली, ये प्रॉबिलिटी हो गई, और गिवन प्रॉबिलिटी अनचेंज होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो ही गया, 5 शिप में से एटलीस्ट 4 पहुँच जाएँ सेफली, मतलब 4 पहुँच जाएँ या 5ों सेफली पहुँच जाएँ, तो सिंपल है, 4 पहुँच जाएँ मीन्स 5C4 सेफ, ये सेफ के लिए है, ये सेफली पहुंचते हैं, मतलब ये सक्सेस है और ये फेलियर है, उल्टा मत कर देंगे, सक्सेस है सेफली पहुंचना, सक्सेस है, और फेलियर क्या है, डूब जाना। तो 4 सेफली पहुंचते हैं, तो सेफ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10 की पावर 4 और 1/10 की पावर 1। देन 5C5 में से 5ों शिप सेफली पहुंच जाएं, पावर 5 एंड 1/10 की पावर, कोई भी नहीं डूबे, तो डूबने की पावर, प्रोबेबिलिटी की पावर 0। सिंपल। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज है, ये गिवन प्रोबेबिलिटीज हैं, अनचेंज होंगी, एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा है, और डूबने की प्रोबेबिलिटी और सेफली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अनचेंज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो गिवन डेटा है, ऑब्जर्वेशन से निकाला गया और हमें दिया है। नेक्स्ट, देर आर 6% डिफेक्टिव बल्ब इन अ लार्ज बल्क आइटम, इसका मतलब ये हुआ कि हम रिप्लेस नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 6% डिफेक्टिव है, ये गिवन डेटा है तो ये चेंज नहीं होता, 6/100 मतलब 3/50, नॉन डिफेक्टिव होना 1-3/50, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 8 आइटम्स, 1/1 हम आइटम्स निकालते जा रहे हैं, आउट ऑफ 8 आइटम्स
विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव, मतलब 8 आइटम्स में से एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो, मतलब या तो 0 डिफेक्टिव हो या फिर 1 डिफेक्टिव, ठीक है। तो 8 में से 0 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी टू द पावर 0, एंड नॉन डिफेक्टिव सारे कैसे हो, नॉन डिफेक्टिव की पावर 8, फिर एक डिफेक्टिव हो 8C1, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 1, और सारे नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब रेस्ट कितने बचे 7, एक डिफेक्टिव रेस्ट 7 नॉन डिफेक्टिव। तो मैक्सिमम नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, मतलब मैक्सिमम एक डिफेक्टिव हो, मतलब 0 डिफेक्टिव या फिर 1 डिफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे 3 चीजें हैं, सक्सेस लूज एंड टाई, तो ठीक है इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको ध्यान समझ लो। जब किसी एक्सपेरिमेंट में 3 आउटकम्स होंगे, देखते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में 3 आउटकम्स हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म करा जा रहा है एन टाइम्स, ठीक है, इसमें 3 आउटकम्स आ रहे हैं, तो सक्सेस आ रहा है, एस फॉर सक्सेस, एफ फॉर फेलियर, टी फॉर टाई, सक्सेस फेलियर टाई, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई मैच अगर खेल रहे हैं तो या तो इंडिया जीतेगी हारेगी या टाई होगा, ठीक है, मैच कैंसिल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, इन केस ऑफ परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद हमसे ये बोला जा रहा है, ये गिवन, हमेशा ये चीज़ें गिवन होंगी, गिवन है तो फिक्स्ड है, गिवन का मतलब ही होता है कॉन्स्टेंट। एन टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट आर वन टाइम्स सक्सेस, आर टू टाइम्स फेलियर, एंड रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू टाइम्स टाई, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले लेते हैं कि फर्स्ट आर वन टाइम्स हमें सक्सेस ही मिल रही है, पहली बार सक्सेस मिलना, दूसरी बार सक्सेस मिलना, तीसरी बार सक्सेस मिलना, ये सब इंडिपेंडेंट है। पहला मैच अगर इंडिया जीत गई तो दूसरा जीतेगी हारेगी इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट आर वन टाइम्स सक्सेस, रेस्ट आर टू टाइम्स फेलियर, लूज कर रही है मैच, रेस्ट यहां से यहां तक आर टू टाइम्स फेलियर, ठीक है, एंड रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू टाइम्स दैट इज टाई, लिखा हुआ है रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू टाइम्स दैट इज टाई, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हमने अरेंजमेंट ले लिया कि इसी ऑर्डर में सक्सेस फेलियर मिल रहा है, बाद में इसको हम अरेंज भी कर लेंगे, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है पी, और वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा आर वन टाइम्स, तो पी टू द पावर आर वन। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है क्यू, वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा आर टू टाइम्स, ठीक है। टाई की प्रोबेबिलिटी क्या है आर, वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू। अच्छा कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी, टाई होने की प्रोबेबिलिटी तुम खुद निकाल सकते हो, वन माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहां ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कि फर्स्ट आर वन टाइम्स इंडिया जीत रही है, उसके बाद लगातार हार रही है, उसके बाद लगातार टाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। टोटल एन चीजें हैं, सक्सेस हमने बताया था आइडेंटिकल है, लूज करना भी आइडेंटिकल होता है, आर वन चीजें एक जैसी हैं दैट इज सक्सेस, आर टू चीजें एक जैसी हैं दैट इज फेलियर, एंड रेस्ट एन माइनस
आर वन प्लस आर टू चीज़ें एक जैसी हैं, दैट इज़ फैक्टोरियल, ये एन है, ध्यान रखना दिस इज एन। तो ये अरेंजमेंट हो गया जहाँ पे आर वन चीज़ें एक जैसी, आर टू चीज़ें एक जैसी और रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू चीज़ें एक जैसी। तो ये तीन, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में तीन आउटकम्स हैं, तीन इवेंट्स हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस, फेलियर एंड टाई। तो बस एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन आर वन फैक्टोरियल आर टू फैक्टोरियल, रेस्ट एन माइनस आर वन प्लस आर टू फैक्टोरियल, पी टू द पावर आर वन, क्यू टू द पावर आर टू, आर टू द पावर एन माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है। नाउ अब देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेज अ सीरीज ऑफ मैचेस इफ इंडिया विन, अगर इंडिया जीतती है तो उसको दो पॉइंट मिलते हैं, इफ इंडिया लूज तो उसको जीरो पॉइंट मिलते हैं, इफ इंडिया टाई तो उसको एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन फाइव मैच सीरीज, ये सीरीज मैच है, टेस्ट मैच है, जिसमें पांच बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एन इज इक्वल टू फाइव, प्रोबेबिलिटी कि इंडिया जीतेगी, दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी कि इंडिया लूज करेगी दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी कि इंडिया का मैच टाई होगा दैट इज 1/6, ठीक है, ये दे रखा है। अब पूछा क्या गया है, देखो ध्यान से, पूछा गया है इन अ सीरीज ऑफ फाइव मैचेस इंडिया स्कोर 5 पॉइंट्स, पांच मैच खेलने ही खेलने हैं, एक्सपेरिमेंट पूरा करना है, ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट मिल गए तो हमने मैच छोड़ दिया। पांच सीरीज कितने मैचेस की है, 5 मैचेस की है, तो उसको हमें कितने पॉइंट्स दिलाने हैं, 5 पॉइंट्स दिलाने, ठीक है। कैसे हो सकता है, जीतने में 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कर लेते हैं 2 मैच जिता देते हैं, 2 जीत गए, 1 टाई हो गया, 2 जीतने में कितने पॉइंट मिल गए, 2 जीत गए तो कितने पॉइंट हो गए, 4, 1 टाई हो गया तो कितने पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट मिल गए, लेकिन खेलने उसको 5 है तो रेस्ट ऑफ द 2 लूज कर दे, ठीक है। अब और कैसे 5 पॉइंट मिल सकते हैं, एक मैच जीत जाए, 3 नहीं जीत सकती क्योंकि 3 जीत जाएगी तो 6 पॉइंट मिल जाएंगे, 1 मैच जीत जाए तो 2 पॉइंट मिल गए, 3 टाई हो जाए तो 3 पॉइंट मिल गए, टोटल कितने मैच हुए, 4, इसका मतलब 1 लूज कर दे, और कुछ हो सकता है 5 पॉइंट में, 5 टाई हो जाए तो भी 5 पॉइंट मिल जाएंगे, सिंपल। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है 5 पॉइंट्स लाने के लिए, तो बड़ा सिंपल है, देखो कितने मैच हो रहे हैं, 5 मैच हो रहे हैं, 2 बार जीतना है, 2 बार जीतना है, 2 बार लूज करना है, 1 बार टाई करना है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है उसका स्क्वायर, हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है उसका भी स्क्वायर क्योंकि 2 बार लूज करना है, टाई होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है उस कितने बार करना है, 1 बार 1, देन 5 बार में से, सॉरी ऐसे लिखना है इसको, सी करके नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना है 5 टाइम्स में से, देखो क्या लिखा है, 1 बार जीतना है, 1 टाइम्स लूज करना है, 3 टाइम्स टाई करना है, तो जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर 1, हारने की प्रोबेबिलिटी की पावर 1 लूज है, और टाई होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 3, प्लस 5 बार में 5 बार हमें टाई होना, ठीक है, 5 बार में 5 बार टाई होना है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, हारने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0 और टाई होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 5। तो दिस इज द आंसर, आई थिंक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, तो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग दिस क्वेश्चन। इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग हेड, मतलब बायस्ड कॉइन है, अदरवाइज तो 1/2 होता। हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज पी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज 1-p। और 100 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दो या एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करो, मतलब एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है, और ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो अनचेंज होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव तो हमने कर ही दिया, पी 0 से 1 लाई कर रहा है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी पढ़ो उसको क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड ऑन 50 कॉइन्स इज इक्वल टू शोइंग हेड ऑन 51 कॉइन्स, ठीक है। एक गिवन डेटा है कि 50 कॉइन्स में हेड आ रहा है। अच्छा, 50 कॉइन्स में हेड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट ऑफ द 50 कॉइन्स में ये हेड आया, रेस्ट ऑफ द 50 कॉइन्स में टेल आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू 51 कॉइन्स में हेड आया एंड रेस्ट 49 कॉइन्स में टेल आया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, ऑब्वियसली यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, कॉइन का केस है, डाइस का केस है, तो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है। 100 में से 50 कॉइन्स में हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 50 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी की पावर अगेन 50, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द कॉइन बचे वो 50 ही बचे। देन 100 कॉइन्स में से 51 कॉइन्स में टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 51 एंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 49, ठीक है। नाउ अगर इसको कैंसिल कर दें तो देखो यहाँ बचेगा 1-p, ये बच जाएगा, ठीक है। इधर p बचेगा और इधर बचेगा 100c51 अपॉन 100c50, दिस इज 100c50। अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ncr/ncr-1 इज कमिंग टू बी n-r+1 अपॉन r। n को रख दो 100 इस फॉर्मूले में और r को रख दो 51, तो n-r+1 अपॉन r, r इज 51। आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से, सिंपल, ठीक है। रेस्ट अब बात करते हैं इसके आगे की। द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड, कम से कम कितने बार कॉइन को टॉस करें, लेट्स से n टाइम्स करें, और कॉइन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम खुद सोच सकते हो, लगेगा ही लगेगा, एन बार हो रहा है, कई बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कैसे निकाला जाता है, एन बार में से एटलीस्ट एक बार हेड आए, दैट इज सेम एज 1-p प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। और देखो क्या दे रखा है डेटा, दैट इज एटलीस्ट, that is at least 0.8, that is at least 0.8, at least 0.8 मतलब that is greater than or equal to 0.8, at least का मतलब greater than or equal to, तो 1 minus कोई भी head ना है, n में से कोई भी head ना है, कुछ नहीं दे रखा है, मतलब unbiased coin है, head आने और tail आने की probability 1/2 होगी, 1-, 0 बार head आए और ऑब्वियसली n टाइम्स टेल है 0.8। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज NC01 होता है, इसको इधर ले आओ 0.8, तो दिस विल बी 0.2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, ठीक है। नाउ 1/2 की पावर n
इज लेस देन और इक्वल टू 0.5, मतलब 1/5, ये छोटा होना चाहिए इससे। तो n को 2 रख दो तो ये तो 1/4 आ जाएगा, n को 3 रख दो तो ये 1/8 आ जाएगा, n को क्या रख दें 3 रख दें तो ये 1/8 आ जाएगा, और 1/8 1/5 से छोटा होता है, 1/8 1/5 से छोटा होता है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आंसर इज नन ऑफ दीस, क्योंकि n 3 नहीं दे रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज, ब्रिज को हिट करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऑब्वियसली ब्रिज को मिस कर देगा, हिट नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। एंड डायरेक्ट 2 हिट्स आर नीडेड, मतलब कम से कम 2 बॉम्ब 2 हिट्स तो जरूरी हैं, तभी वो ब्रिज ओवर ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट 2 हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय ब्रिज, ये गिवन है। द लीस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब, 1/1 फायर करा जा रहा है बॉम्ब, मान लेते हैं एन बॉम्ब फायर करेंगे, और ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो ये अनचेंज्ड है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिज इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज ग्रेटर देन 0.9। तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.9 है। अच्छा, ब्रिज कब डिस्ट्रॉय होगा, जब एटलीस्ट 2 हिट लगेंगे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हिट्स, एन बार में एटलीस्ट 2 हिट कर रहे हो तो उल्टा ही करना चाहिए, कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हिट। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, एन में से 0 हिट, हिट और मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 0 हिट और सारे मिस कर जाएं, या 1 हिट हो जाए और बाकी मिस कर दो, दैट इज 0.9। तो दिस इज 1, NC0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n, दिस इज n, ये फिर से आ जाएगा 1/2 की पावर n, दैट इज 0.9। अब इसको इधर ले आएंगे तो दिस विल बी एन प्लस 1 टाइम्स 1/2 की पावर n इज लेस देन 0.1। ठीक है, अब ऑप्शन में तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी ए बी सी डी, मान लो 3, 4, 5, इस तरह से वैल्यू दे रखी, लीस्ट पूछा है तो पहले 3 रख के देख लो, 5 फिर 4 रखो, मतलब सबसे पहले छोटी ही वैल्यू रख करके देखो, तो वैल्यू रख करके तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, सबसे छोटी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये अपने मन से हमने आंसर लिख दिया, हो सकता है 7, 8, 9 आंसर में हो, तो तरीका समझ में आ गया, ऑप्शन तुम वैल्यू रख करके मैच करा सकते हो, जो भी वैल्यू मैच कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी लास्ट ईयर, ए मैन टेक्स अ फॉरवर्ड स्टेप विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, मतलब वो आगे बढ़ता है एक स्टेप, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और पीछे जाता है बैकवर्ड, ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो 1 से कटा दो तो 0.6। ठीक है, दे ही रखा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, जैसे मान लो स्टेयर्स हैं, एक बच्चा है स्टेयर्स में खेल रहा है, तो आगे कभी आगे चढ़ जाता है कभी पीछे आ जाता है, ठीक है,
एक चाइल्ड के बारे में सोचो, तो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, स्टेयर्स पे खेल रहा है, तो 11 स्टेप्स, जब वो 11 स्टेप कवर कर चुका है तो ही इज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो सोचो इसके बारे में, उस चाइल्ड के बारे में, तो अगर वो 6 फॉरवर्ड स्टेप जाए तो 7 में 5 बैकवर्ड आए, तो अपने ओरिजिनल प्लेस से वो 1 स्टेप फॉरवर्ड चला गया, या फिर 5 फॉरवर्ड जाए एंड 6 बैकवर्ड जाए, तो अपने ओरिजिनल स्टेप से वो 1 स्टेप पीछे आ गया। ठीक है, कितने स्टेप्स चल रहे हैं उसको, 11 स्टेप्स, 11 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 11 बार एक्सपेरिमेंट में 6 फॉरवर्ड, 5 बैकवर्ड, 5 फॉरवर्ड, 6 बैकवर्ड, तो ठीक है, इसको कर सकते हैं हम लोग। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लग रहा है, गिवन प्रोबेबिलिटीज हैं और ये गिवन प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। एक्सपेरिमेंट 11 बार हो रहा है, ये 2 आउटकम्स हैं, आगे जाना पीछे जाना, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तीसरी चीज क्या थी, चेंज नहीं होना चाहिए, तो गिवन प्रोबेबिलिटीज तो वैसे भी चेंज नहीं होती, तो अब आई थिंक कर सकते हो 11 में से 6 बार फॉरवर्ड जाना है की पावर 6 एंड रेस्ट टाइम्स बैकवर्ड जाना है पावर 5। ठीक है, प्लस 11 में से 5 बार फॉरवर्ड जाना है और रेस्ट 6 बार बैकवर्ड जाना है। दिस इज सिंपली इट्स आंसर। तो यहां पे बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन है आइडेंटिफाई करना। अब अपने बुक से कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लग रहा है। अगर ये बात क्लियर हो गई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर तो फॉर्मूला ही बचता है, फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन क्यों है, इस बात, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, वो भी रिलेटिवली आसान होता है। मतलब इन चीज़ों से अगर क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो होगा ही होगा अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करिए तो।